उसमें ये आया महाधिवक्ता की तरफ से कि आधी जमीन हमको अलग दे दी जाए और आधी जमीन हाईकोर्ट ले ले जिसमें कि अधिवक्ताओं का चैंबर। हमारा एक प्रपोजल उसमें चीफ जस्टिस के सामने था कि ये जमीन का बंटवारा न किया जाए और इसमें 11 स्टोरी एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जिसमें कि 2 स्टोरी ग्राउंड फ्लोर लिफ्ट सिस्टम से हमारी पार्किंग हो और बेसमेंट 2 स्टोरी हो लिफ्ट सिस्टम, जो आजकल मॉडर्न सिस्टम है कि गाड़ी जैसे आप ले जाएंगे गाड़ी खड़ी होगी लिफ्ट सीधे लेके नीचे चली जाएगी। तो 2 बेसमेंट जो है हमारा 2 स्टोरी बेसमेंट हमारा पार्किंग हो, ग्राउंड फ्लोर पार्किंग हो, तो 3 फ्लोर हमको पार्किंग मिल जाएगी। 1 फ्लोर पे हमारा एक ऑडिटोरियम एयर कंडीशन बने जिसमें कि 6000 की कैपेसिटी है कि हम जो फंक्शन करते हैं तब वो करना लगाना शुरू कर देते हैं, ये लगाने की परंपरा खत्म। उसके बाद ये हुआ था कि 3 स्टोरी या 4 स्टोरी जितनी भी एडवोकेट जनरल को ऑफिस के पर्पजेस से लेने की जरूरत हो वो उनको दे दिया जाए, 1 स्टोरी हमारे वेंडर्स को दिया जाए और बाकी स्टोरी हमारे लायर्स के चैम्बर के लिए दे दिया जाए। इस प्रोजेक्ट में एकोमोडेशन काफी मिल रहा, लेकिन हमारे पूर्व महाधिवक्ता जी ने यही प्रस्ताव रखा कि नहीं, आधी जमीन हमको दे दिया, हम अपना बनवाएंगे, आप अपना बनवाइए, जिसकी वजह से आज इसका फैसला आज तक नहीं होगा। मैं अपने नए महाधिवक्ता से आज अनुरोध करूंगा कि इस मामले को त्वरित गति से सुलझाएं, हम उनके साथ हैं, हम लोग बात करें चीफ जस्टिस से और बात करके इस मामले को सुलझा के जो भी इसका प्रोजेक्ट तैयार हो उसको इमीडिएटली तैयार करके कार्यान्वित किया जाए जिससे कि आने वाली समस्याएं हमारी कम समय में निपटाई जा सके। एक और समस्या की हमने एक प्रोजेक्ट बना के हाईकोर्ट से सेंशन कराया था कि सामने की जो न्यू लाइयर्स चैम्बर की बिल्डिंग है ये 3 स्टोरी है, जबकि बगल की जिसमें एडवोकेट एसोसिएशन का ऑफिस और हॉल है वो 4 स्टोरी बनी। तो उस स्टोरी को मैंने एक प्रोजेक्ट करवाया यहाँ पे और सेंशन कराया हाईकोर्ट से और स्टेट गवर्नमेंट को मैंने दिखाया कि ये भी बिल्डिंग को 4 स्टोरी कर दिया जाए और 14 स्टोरी पे एक हॉल बना दिया जाए, उस हॉल में कम से कम 1000 एडवोकेट्स के बैठने की व्यवस्था हो सके। वो आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने उसका कोई फंड नहीं रिलीज किया उस पर, जिसकी वजह से वो कार्य नहीं आगे बढ़ पाया। मैं काजमी साहब से अनुरोध करूंगा कि इस कार्य को अगर लेकर के देखें कि किसी तरीके से हो सके तो हमारी ये समस्या बहुत जल्दी बैठने की कुछ अधिवक्ताओं की सॉल्व हो सके। उसमें ये लंच रूम के सामने और लाइब्रेरी के सामने जो बाथरूम था इनका भी एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट है, जिसमें टोटल जो है 70 लाख का ये बजट बना था और इसको हाईकोर्ट ने सेंशन करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजा था। मेरा अनुरोध है कि आप इन चीजों को जरा देखने की कोशिश करें और जितनी जल्दी हो सके इसको करें, क्योंकि आप हमारे बीच के हैं, आप हमारी समस्याओं को समझने की कोशिश भी करते रहे हैं, हमारे संघर्षों के साथ में हमारी समस्याओं के साथ से, तो उम्मीद है कि आप इन चीजों को एक तत्परता के साथ और प्रायोरिटी के साथ लेने की कोशिश करेंगे और कोशिश में कामयाब भी आप रहे हैं, आपने जीवन में कामयाब रहे हैं, इस कार्य में भी कामयाब रहेंगे और सफल रहेंगे, मेरी उम्मीद। दूसरी 2-3 चंद एडवोकेट्स हैं जो काफी हमारे बीच में पॉपुलर भी हैं, उनकी समस्याएं बड़ी गंभीर हैं, तो अगर हो सके तो उन अधिवक्ताओं को अपने स्टेट पैनल में रखें जिससे कि वो जीवन यापन कर सके। इसके लिए हम और सेक्रेटरी साहब उन दो तीन इस तरीके के लोग हैं, आपको ये लिस्ट दे में अगर आप इसको उचित समझते हैं तो ये बात के ऊपर आपका बड़ा आभार होगा कि ऐसे व्यक्तियों को आपने एक आश्रय दिया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने तरफ से इस बार की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं, आने का आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि जैसे आप नौजवान महाधिवक्ता हमारे प्रदेश के हुए हैं वैसे ही नौजवानी के साथ हमारी समस्याओं को सुलझाएंगे। धन्यवाद।
दुनिया के विविधताओं की क्या समस्या है, बैठने की समस्या है। ये मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूं कि जो भी गांधी साहब के चेंबर में से जूनियर रहा है वो आज तक इनका गुणगान करता है। मैंने कभी किसी को इनकी बुराई करते नहीं सुना है। जूनियर के लिए इनका विशेष स्नेह रहा है और वो स्नेह कंटिन्यू करेगा एज महाधिवक्ता, ये हमारा पूरा विश्वास है। साथियों, इससे पहले कि गांधी साहब के अभिनंदन में मनोज मिश्रा जी से मैं अभिनंदन करवाऊं, आदिश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि गांधी साहब को बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की ओर से मोमेंटो प्रेजेंट करें। मिस्टर आदिश अग्रवाल, उम्मीद यह है कि गांधी साहब को मोमेंटो पसंद आएगा। हम लोग का विज्ञान काफी मिले जाएंगे, उनके गांव में सहन मिलेगा। ऐसे कर सर, थोड़ा एक मिनट सर, ये सीट आ गई सर, अरे नीचे रखी है, थोड़ा ऊपर नहीं बोल आ जाएगा सर। जैसा मैंने कहा, मुझे विश्वास है कि ये मोमेंटो गांधी साहब के ड्रॉइंग रूम में देखेगा। हम लोग चाय पीने चले गए इनके यहाँ को। अच्छा दोस्तों, मनोज जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, गांधी साहब का अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं मनोज जी से आग्रह करता हूँ कि गांधी साहब के अभिनंदन में गांधी साहब से आपको परिचित कराएंगे, गांधी साहब के बारे में बताएंगे। हमारा उत्तर प्रदेश से महाधिवक्ता के संवैधानिक पद पर नियुक्त हुई है। श्री गांधी जी की नियुक्ति 2000 में मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद पर हुई थी। 2005 में वह अपर महाधिवक्ता के पद पर प्रोन्नत हुए थे। मित्रों, यह भी एक आभार की बात, एक हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों से विधिक सेवा के इस उच्च पद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पुलिस के अधिवक्ताओं का ही वर्चस्व था, परंतु श्री गांधी जी की नियुक्ति के पश्चात इलाहाबाद का पुनः यह गौरव प्राप्त हुआ। अपने उत्तर अनुभव एवं विधि विशेष के अभिज्ञान के पत्रों श्री गांधी जी ने उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए असंख्य महत्वपूर्ण मामलों में सफलता प्राप्त की। मित्रों, 1957 में एक उच्च शिक्षाविद के परिवार में जन्मे श्री गांधी 21 वर्ष की अल्प आयु में बाढ़ काउंसिल उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हुए। वर्ष 19 वर्ष में उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पदार्पण किया। कुछ ही वर्षों में उनकी गिनती प्रख्यात अधिवक्ताओं में की जाने लगी। अपने 25 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में समय समय पर श्री गांधी जी केंद्र एवं राज्य के लाभ की तरह के कई उच्च पदों पर नियुक्त हुए। वर्ष 1992 में श्री गांधी जी के केंद्र सरकार के अपर स्थायी अधिवक्ता, वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं वर्ष 1994 में उच्च न्यायालय के विशेष अधिवक्ता नियुक्त किए गए। विधि क्षेत्र के अध्यक्ष श्री गांधी जी कई शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के सभी सदस्य हैं, जिनमें मुख्य रूप से स्वरोजगार राइटर्स एसोसिएशन, इकबाल एकेडमी, संवाद, सतुल्ला सोसाइटी एवं लैब एंड इंडिकेट फॉरेंसिक आदि उल्लेखनीय है। इन सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के कारण श्री गांधी जी को विदेशों में भी आमंत्रित किया गया है। पिछले वर्ष अमेरिकी सरकार द्वारा वह भारत के एकमात्र देश के रूप में वहां पर आयोजित एक सेमिनार में आमंत्रित किए गए थे एवं हाल ही में ढाका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में जिसमें विश्व के कई देशों के प्रतिनिधि आमंत्रित थे, श्री गांधी जी बांग्लादेश ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हम आपका अपनी ओर से बार एसोसिएशन हाईकोर्ट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे भूतपूर्व सचिव बार एसोसिएशन के सीनियर सदस्य भाई एसपी सिंह साहब हमारे बीच हैं। हम इनसे अनुरोध करेंगे कि इस सभा में संबोधित करें दो शब्द को। इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय महाधिवक्ता श्री एस एन गांधी साहब, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री छोटेलाल पांडे जी, महामंत्री राकेश पांडे जी, साथियों, भारत की छाती उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का दिल इलाहाबाद। लखनऊ लोग कहा करें, लेकिन शुरू से उत्तर प्रदेश का दिल इलाहाबाद है।
तो इलाहाबाद जैसी जगह जहां पर आजाद का खून बहा, जहां क्विट इंडिया मूवमेंट आनंद भवन में उसकी रूपरेखा तैयार की गई हो और जिस जिले ने चार चार प्रधानमंत्री दिए हों, जहां एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट स्थापित हो और पूरे जनमानस के तंतु मर्मज्ञों के जीवाओं का सकल दूध जो अपील होता है, अधिवक्ता होता है और उसका एकमात्र नेता पूरे उपस्थित रूप से, बड़े गौरव की बात है। हम लोग बहुत ही तकलीफ में हो गए थे, बिछुड़ से गए थे, जैसे अलग कर दिए गए हों, किनारे रख दिए गए हों। हमेशा से जब से महाधिवक्ता होते थे पंडित कलैयाराम मिश्रा जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार के सदस्य थे, उसके पहले भी राजा राम अग्रवाल, विभूषण उपाध्याय जी, जितने लोग हुए हैं, नाम गिनाना उतना समीचीन नहीं है, इस बात को दोहराना समीचीन है। ये आश्चर्यजनक रूप से अंतराल की इस मध्यान्ह में पुनः कादमी प्रखर सूद की तरफ से अवधरित हुए इलाहाबाद को उसकी गरिमा मिली। हमारे पास सचो कादमी साहब को मैं बहुत दिन से जानता हूं और शुरू से जानता हूं। बहुत जगहों पर तार्किक विचारों में हमारी उनकी सहमति है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकनों में हम कादमी साहब की प्रखर विद्वेता के रूप में नहीं, एक विचारक के रूप में स्वागत करते रहे हैं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब हिन्दुस्तानियत की बात होती है, हिन्दुस्तानियत की बात जो जमाने से चली आ रही है, जो हिन्दुस्तान के पूरे इतिहास को एक पूरे एक जगह लामबंद करती है, उसकी मिसाल को उन्होंने अमेरिकन कॉन्फ्रेंस में रखा। इतना ही नहीं, ढाका कॉन्फ्रेंस की जो रिपोर्ट मुझको मिली, वहां भी इन्होंने हिन्दुस्तानियत को एक परचम, उनके सब परचम लगाया। तो दोस्तों, अधिवक्ता होना, अधिवक्ता का नेता होना और महाधिवक्ता होना ये कैरियर का एक पहलू है, लेकिन कैरियर का दूसरा पहलू होता है इस पोस्ट पर खड़ा होने वाला व्यक्ति क्या समाज के उत्तरोत्तर दिशा की प्रगति के मैदान में क्या कुछ और अखाड़े पैदा करेगा, कुछ और विचार देगा, उत्तेजना के क्षणों में हमारे पंचम को लहराएगा कि नहीं लहराएगा, यही मेरा टेस्ट है। और इस टेस्ट को मैंने पाया कि कादमी जी पास हो गए, सफल हो गए। मैं इतना और ज्यादा मैं कह करके, हमारे बहुत सारे लोग कहेंगे, हम तो इतना ही कहेंगे, हमारी तो पुरानी बात रही है, मैं फिर दोहरा दूं, सारी दुनिया मांगी। जैसा एसपी सिंह भाई साहब ने कहा, महाधिवक्ता पर ज्यादा प्रतिष्ठित करेंगे। दोस्तों, हमारे बीच हमारे निवर्तमान सचिव बार एसोसिएशन के सीआईपी चतुर्वेदी मौजूद हैं, इनसे भी मैं कहूंगा कि आज सभा को संबोधित करें। जवान युवकों में अपनी अद्भुत विद्वता को बिखेरने वाले तथा प्रख्यात दृष्टि के लीडर हमारे निकट श्री क्षेत्र में कार्मी साहब, बाल कृष्ण के अध्यक्ष श्री सी एल पांडे, बाल श्री राकेश पांडे जी तथा मंचक अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री आदित्य अग्रवाल का बड़े भाई एसपी सिंह साहब तथा वरिष्ठ अधिवक्तागण को मित्रों प्रतिस्थापित किए गए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उस प्रदेश सरकार का, जिन्होंने ऐसे हीरे को तराश कर इस मंच को गौरवान्वित करने के लिए भेजा है, मैं उनका, उस सरकार का, उस अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा श्री वीरेन्द्र भाटिया जी का भी इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, एक दृष्टांत याद है काशी साहब के बारे में कि मैं जब सचिव था इस बार इंस्टीट्यूशन का, तो एक बार मैं भाटिया साहब के चैम्बर में गया, वहाँ कादमी साहब तथा कानपुर जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब बैठे थे। उन्होंने कहा, कहो सचिव महोदय कैसे आना होगा। मैंने कहा, यात्रा का कोई स्थान और कोई मतलब नहीं होता है, एक यात्रा की हैसियत से आया हूँ। तो इन्होंने प्रोत्साहित करते हुए कहा, कहो कहो चतुर्वेदी, कहो क्या कहना है। मैंने कहा, माननीय तमाम समस्याएं हैं, बात की। तो भाटिया साहब ने कहा कि देखो, मैं हमेशा युवताओं की जो भी समस्या है उनके तुरंत निदान के लिए हमेशा प्रयत्न